जैसे मैं इस पेज को रिलोड करूँगा, यहाँ पे देखिए जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे प्ले ऑनलाइन का ऑप्शन आ गया है। जो भी इस पे क्लिक करेगा वो हमारे स्पीडिस पे आ जाएगा, और यहाँ से कोई भी ऑनलाइन वॉच करेगा तो ये प्ले इट पे ऑनलाइन वॉच होने लगेगा। क्या आप भी जानना चाहते हो कि ADX Play का ऐड हम किस तरह से यूज़ करें अगर आप PDX पे फाइल अपलोड करते हो? मतलब आप PDX के साथ साथ ADX Play से भी पैसे कमा सकते हो। ADX Play का ऐड PDX के वीडियो के नीचे ऐड शो करवा सकते हो। तो वो कैसे होता है, तो वो इस वीडियो में रहेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो जाके आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे वीडियो के बाद बहुत सारे वीडियोस बन जाए। तो मैं पहले ही इस वीडियो को बना रहा हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने प्रैक्टिकल सब कुछ करके दिखाया है। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप बाद में आके कमेंट में करोगे कि भाई साहब मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा ऐड शो नहीं हो रहा है, ऐड ADX Play का आजकल नहीं शो हो रहा है PDX वीडियो के नीचे। तो वो क्यों नहीं हो रहा है वो सब कुछ इस वीडियो में रहेगा, और उसका पूरा सॉल्यूशन भी है। तो भाई साहब मज़ा आने वाला है, वीडियो पूरा देखो, पैसा छापने लगोगे ऐसे 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 ऐसे। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम है अमृता, ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर, इंजीनियर। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताया कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें ADX Play का ऐड कैसे लगाते हैं, और PDX का जो भी वीडियो है उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि अगर आप कोई भी वॉच ऑनलाइन या फिर मतलब ADX का प्ले पे ADX का ऐड पे जो भी क्लिक करेगा तो वो PDX का वीडियो जाके ओपन होगा, जिससे कि दोनों से आप अर्निंग कर सकोगे। तो उसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको पूरी अच्छे से डिटेल में बताऊँगा, पूरा अच्छा से देखिएगा वीडियो। तो चलिए आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलते हैं। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने क्रोम पे जाना है और वहाँ पे लिखना है blogger.com। तो जैसे आप blogger.com लिखेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट योर ब्लॉग, क्रिएट योर ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको एक अकाउंट चूज़ करने बोलेगा, तो आपका जो भी जीमेल अकाउंट है उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इस तरह आपको यहाँ पे लिख के ऑप्शन आएगा कि आपको अपने ब्लॉग का मतलब अपने वेबसाइट का टाइटल क्या देना है। तो हम लिखते हैं ADX Play वीडियो डेमो, ठीक। आपका जो वेबसाइट है वो आप दे सकते हो, हम यहाँ पे देते हैं ADX Play। यहाँ पे ये URL है, ठीक है। लास्ट में आपका ब्लॉग स्पॉट रहेगा, आप चाहते हैं कि ये ब्लॉग स्पॉट ना रहे, .com, .in ऐसा कुछ रहे, तो उसके लिए आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। GoDaddy से डोमेन आपको खरीदना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, तो आई कार्ड में वो देखिएगा, लेकिन अभी फ्री में मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको आप देखिए, ADX Play, ठीक, डेमो वीडियो। हम इसको नेक्स्ट मार देते हैं। यहाँ पे आपका अगर जो भी अवेलेबल है वो देना, ठीक, ADX Play डेमो फिनिश, फिनिश पे क्लिक करना है आपको, और थोड़ी देर के बाद आपका वेबसाइट यहाँ पे मतलब आपका जो, उसके बाद फिर आपको कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस दिखेगा, आपको इसको क्लोज कर देना है। मोबाइल पे भी आप क्लोज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर अभी आप इसको व्यू ब्लॉग पे क्लिक करोगे। यहाँ जैसे अब व्यू ब्लॉग पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन अभी मैं आपको क्या करूँगा, एक आपको थीम प्रोवाइड करूँगा। थीम में आपको कैसे करना है, थीम में जाना है। थीम में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये कस्टमाइज़ के बगल में एरो का बटन है, इस पर क्लिक करना है, रीस्टोर पर क्लिक करना है और अपलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर मैं आपको एक थीम दूंगा, तो वो थीम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसमें लिंक के लिए आपको हमारे वेबसाइट में जाना होगा, अमृत एड्रिनो, वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक होगा, और अमृत एड्रिनो के वेबसाइट में जाइएगा तो आपको थीम का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ मैं थीम अपलोड कर लेता हूँ। तो जैसे थीम यहाँ पर आप अपलोड कर दोगे, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर रीलोड करना है। रीलोड करोगे तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे आपका वेबसाइट दिखेगा। तो वेबसाइट को हम कस्टमाइज़ करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हैं, इसको कैसे कस्टमाइज़ करते हैं उसको हम देखेंगे अभी। तो आपको जाना है लेआउट पे। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट का जो लोगो है इसको चेंज करना है, तो इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जाना है लेआउट में, लेआउट में जाके ADX Play वीडियो डेमो जो भी है, तो हेडर, हेडर लोगो, तो इस लोगो पे आपको क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करना है। ये जैसे मूवी स्टोर करके आ रहा है तो इसको हम रिमूव करेंगे
और जो भी आप चाहो तो लगा सकते हो। मेरे पास अभी फ़िलहाल, मैं चेक करता हूँ, मान लो कि ऐसा कुछ लोगो है मेरे पास, यहाँ लोगो रिलोड हो रहा है, इसको हम सेव करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, ये लोगो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपना लोगो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि ये जो ऊपर में ये सारा चीज़ दिख के आ रहा है आपको, कैटेगरी वगैरह, इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ देखिए मेन मेनू लिंक लिस्ट है, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एडिट पे, एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसको आप रहने भी दे सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। जैसे ये मूवीज़ है, तो हम इसको एडिट करके यहाँ पे इसका लिंक डाल सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं सारा कुछ, ठीक, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मैं जैसे एक बनाता हूँ ADX प्ले डेमो, ठीक, यहाँ पे टाइटल लिख दिए और यहाँ पे आपको यहाँ पे लिंक लिस्ट देना है और ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करना है। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे उसका जो मतलब ये जो टाइटल है इसको यहाँ पे देना है, उसके बाद फिर इसका लिंक देना है। तो लिंक अभी हम कैसे जनरेट करेंगे वो देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको हम सेव करते हैं। अभी यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ADX प्ले डेमो करके आ जाएगा। ये देखिए ADX प्ले डेमो है, ये कैटेगरी मैंने अभी बनाया। तो अब मान लीजिए कि आपको कैटेगरी में कैसे लिंक लगाना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे पोस्ट में और न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, और मान लीजिए कि हम एक डेमो वीडियो बना रहे हैं ADX। और यहाँ पे आपको यहाँ देखिए, ये लिखने के बाद आपको यहाँ लेबल दिख रहा है, लेबल्स में आपको यहाँ पे लेबल देना है। जो भी आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं उसका एक लेबल बनाओगे। तो हम लिखते हैं ADX प्ले डेमो, ADX प्ले डेमो, ठीक। आप यहाँ पे मल्टीपल रख सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ। और बस यहाँ पे इसको पोस्ट करते हैं, यहाँ पब्लिश करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरह से आपको ये जो डेमो का लिंक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ADX प्ले के नीचे यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, ठीक, फोल्डर, उसके बाद लिखा हुआ ADX प्ले डेमो। इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है, होल्ड करके रखोगे तो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको आना है यहाँ पे लेआउट में, लेआउट में आने के बाद ADX डेमो जो भी हम मेन मेनू यहाँ पे लिख रहे थे, और यहाँ पे इसका जो लिंक है इसको हम एडिट करेंगे, और एडिट में इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। और इसी तरह से और भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किस तरह से हम ADX प्ले का वीडियो यहाँ पे और PDX का वीडियो कैसे यहाँ पे प्ले करवाएंगे। तो हम अब जाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वीडियो है, सैम्पल वीडियो है, इसका लिंक को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये एक वीडियो है, प्ले नहीं होगा यहाँ पे, तो मतलब एक सैम्पल वीडियो है, और इसको हम कैसे शो करवाएंगे ADX प्ले में वो हम आपको मोबाइल में दिखा देंगे कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि आपको ADX प्ले पे अकाउंट जो क्रिएट करना है, वो याद रखिएगा कि आपका जो PDX का अकाउंट है उस ईमेल से या फिर वैसा यूज़र नेम वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आप यूज़ करोगे, जैसे आपने PDX पे एक अकाउंट बनाया जो ईमेल एड्रेस से, तो आपको क्या करना है, एक नया ईमेल एड्रेस बनाना है या फिर एक नया ईमेल एड्रेस से ADX प्ले पे साइन अप करना है। ऐसा कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए जिससे कि ADX प्ले और PDX का सिमिलैरिटी हो कुछ भी चीज़ में, मतलब लाइक कोई भी आप यूज़र नेम या फिर कुछ पासवर्ड या ईमेल वगैरह कुछ भी सिमिलर नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका ADX प्ले विथ PDX काम करेगा। अगर आप PDX के साथ साथ ADX प्ले का अकाउंट बना लेते हो एक ही ईमेल से, तो वो सेम अकाउंट पे एड शो नहीं करता है। तो हम आपको एक डेमो दिखाते हैं कि कैसे ADX प्ले पे साइन अप करना है। हमारा जो एक ये दूसरा ईमेल से बना हुआ PDX का अकाउंट, और हम अभी एक दूसरा ईमेल से ADX का अकाउंट बनाएंगे। तो गाइज़, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है ज्वाइन ADX प्ले का, और PDX का भी मैंने लिंक दे दिया होगा। तो PDX अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। यहाँ पे मैं ADX प्ले को कैसे ज्वाइन करते हैं
वो बता रहा हूँ। तो आपको इसको, इस लिंक को आपको ब्राउज़र में ओपन करना है, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके बाद फिर स्टार्ट टू अर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह डाल के साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम ऐसा डालिएगा जो कि पीडिक्स से अलग हो, जो भी आपका पीडिक्स का अकाउंट होगा उस अलग होगा। तो मान लो कि हम दे देते हैं ईमेल में, ईमेल जो वर्किंग ईमेल है वो दे देना, पासवर्ड में आप जो आपको देना चाहो दे सकते हो, और यहाँ पे आपको वेबसाइट डालना है, वेबसाइट का लिंक। वेबसाइट का लिंक कहाँ से आएगा, तो ये जो आपका मेन वेबसाइट का लिंक है edxplaydemovideo.blogspot, आपका जो मतलब मेन जो ये लोगो पे एक बार क्लिक कीजिएगा तो आपका मेन होम पेज का वेबसाइट मिल जाएगा, उस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक कर देना है और ये कैप्चा कोड फिल करके साइन अप पे क्लिक करना है। तो इनवैलिड कैप्चा बोला तो इसको एक बार हम फिर से कर देते हैं, साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपको पूछ रहा है, तो आपका जीमेल पे वेरिफिकेशन कोड गया होगा, तो जीमेल ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया है edx play टीम से, और अगर मान लो कि ये आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है तो आप यहाँ नीचे स्पैम के फोल्डर में देख सकते हो, या फिर ऑल के फोल्डर में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे इस आ गया है, तो इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को डाल देंगे, इससे आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट टू अर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो सेटिंग नेम बोल रहा है इसको यहाँ पे रहने देते हैं और क्रिएट एंड गेट कोड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए डिटेल पेज लिंक का ऑप्शन बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का लिंक डालना है, कॉपी करना है और यहाँ पे डाल देना और गो एनालाइज में क्लिक करना है। और जैसे कि आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट मिला है, इस स्क्रिप्ट को आप अभी रहने देते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है आपको। तो अब क्या बात है कि अब आपको एक पोस्ट तैयार करना है, जैसे कि आप कुछ भी वीडियो पोस्ट तैयार करते हो तो वो पोस्ट यहाँ पे तैयार होगा। तो हम मान लीजिए कि हम एक सैम्पल वीडियो का पोस्ट तैयार करते हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है, मान लीजिए कि आप एक पोस्ट लिखे, पोस्ट के नीचे आपको यहाँ पे एक इमेज अपलोड करना है। अब चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर मान लीजिए कि कोई भी एक इमेज हम चूज़ कर लिए और इसको अपलोड होने देंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे इमेज शो करेगा। अब आपको क्या करना है, इस इमेज पे आपको लिंक लगाना है, कौन सा लिंक, तो पीडिक्स का, पीडिक्स का जो भी आपका वीडियो लिंक है इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इस लिंक को यहाँ पे लगाना है। याद रखिएगा इस वीडियो को यहाँ पे मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी जो हम बताएंगे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको काम करेगा। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए लिंक का ऑप्शन है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पीडिक्स का लिंक को लगा के अप्लाई कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो भी वीडियो डेमो या फिर जो भी आपका लेबल है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है कोडिंग की बात, तो थोड़ा सा एक कोड है जो कोड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तब जाके आपको पीडिक्स का काम करेगा। जैसे कि अभी हम इसको पब्लिश करते हैं और अगर हम इसको मोबाइल वर्जन में भी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये अभी है ना, यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट हम करेंगे और इसको अभी हम मोबाइल वर्जन में क्लिक लेके जाएंगे। तो यहाँ ये अभी मोबाइल वर्जन में यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे आपको कोई भी वीडियो के नीचे कोई भी edx play का ऐड नहीं दिख रहा, अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये pdx पे वीडियो पे चला जाएगा, लेकिन कोई यहाँ पे edx play का ऐड नहीं दिख रहा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए आपको एक कोड है जो कि हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे इस कोड को आपको क्या करना है, कॉपी करना है और अपने जो पोस्ट बनाया है उस पोस्ट में जाना है और यहाँ पे देखिए ये जो पेंसिल का बटन है, इस ये कंपोज व्यू है, ठीक। इसको HTML व्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए P है, इसके डबल एक नीचे क्लिक करेंगे और ये जो लिंक है हम आपको बताए हैं यहाँ पे जो मैंने डाल दिया, इसको मैंने डाल दिया अभी, जस्ट पेस्ट किया है, इसको पेस्ट करना है। ये जो लिंक हम यहाँ पे आपको दिए थे आई फ्रेम हाइट 0, तो ये वाला फ्रेम आपको यहाँ पे डाल देना है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो लिंक है ऊपर में, आपने जो अभी लगाया था, ये जो लिंक आपने पीडिक्स वाला लगाया था, इस लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए सोर्स, यहाँ सोर्स है ना, सोर्स के बाद कॉलम है ऊपर वाला, इसके बाद यहाँ से लेके लास्ट कॉलम तक इसको है ना रिप्लेस करना है, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक, इसको डिलीट कर देते हैं।
डिलीट करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ देखिए सोर्स में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, यहाँ पर जूम कर देंगे हम, तो ये कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपका काम नहीं होगा। जैसे अभी इसको हम अपडेट करेंगे, तो अभी अपडेट करने के बाद यहाँ पे शो करना चाहिए ADX Play का ऐड, तो ADX Play का ऐड ऐसे शो नहीं करेगा, यहाँ पे शो ऐसे नहीं करेगा। आपको क्या करना है, ये जो आपको कोड अभी मैंने बताया था कि कैसे जनरेट करना है, वो जो कोड आपको यहाँ स्क्रिप्ट मिला है, इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको जाना है इस आई फ्रेम के नीचे, इंटर डालना है और इसको पेस्ट कर देना है। आपका जो कोड मिला है वो इसको डालना है, ठीक। उसके बाद फिर अपडेट पे क्लिक करना है, अब जाके आपका जो है ना ADX Play पे ऐड शो करने लगेगा। अभी हम दिखाते हैं थोड़ी देर में, यहाँ पे अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मोबाइल पे ही शो करेगा, तो अभी हम आपको मोबाइल पे दिखाते हैं। जैसा कि आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इस पेज को रिलोड करूँगा, यहाँ पे देखिए जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे प्ले ऑनलाइन का ऑप्शन आ गया है। जो भी इस पर क्लिक करेगा वो हमारे स्पीडिस पे आ जाएगा, और यहाँ से कोई भी ऑनलाइन वॉच करेगा तो ये प्लेट पे ऑनलाइन वॉच होने लगेगा। जैसे कि अभी ये वीडियो चलने लगेगा, जो भी मैंने अभी डेमो वीडियो बनाया था, ठीक, तो ये डेमो वीडियो यहाँ पे चलने लगा। तो इसी तरह से आपको PDX को इम्प्लीमेंट करना है। बस आपको याद रखना है कि आप जो ADX Play का अकाउंट बना रहे हैं, हो सके तो वो दूसरे मोबाइल से या दूसरे ईमेल एड्रेस से, और आपके सेम ब्राउज़र से यूज़ ना करके कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ करें और वहाँ से अकाउंट क्रिएट करें, तभी आपका ये वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। जैसा कि मैं आपको बताया था लिंक शॉर्टनर के बारे में, तो अगर आप ऐसा लिंक शॉर्टनर बनाना चाहते हैं तो बताइए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी PDX का लिंक है, इसको हम कॉपी किए लॉगिन करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे एक लिंक शॉर्ट किए, ठीक, तो लिंक शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे एक लिंक बनाता है PDX शॉर्टनर के टाइप, और इस लिंक को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए फाइल का इमेज आएगा और इसका वीडियो का आ जाएगा प्ले वॉच वाला, ठीक। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट चला जाएगा प्ले इट पे, और यहाँ से जाके PDX का जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा, और जैसे कोई वॉच ऑनलाइन और डाउनलोड पर क्लिक करेगा तो वो होने लगेगा स्टार्ट, जैसे कि आप देख लिए, ठीक है, इसी तरह से। तो ऐसा शॉर्टनर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको PDX शॉर्टनर के ऐसा वेबसाइट बनाना है, लाइक आपको पता होगा कि वहाँ पे आप PDX का वीडियो का लिंक डालोगे और वो लिंक शॉर्ट हो जाएगा, और वो शॉर्टेड लिंक जब आप किसी को शेयर करोगे तो वो इस तरह से डिज़ाइन आएगा, आपको दिख रहा होगा, इस तरह से वहाँ पे शो करेगा PDX का वीडियो, और उसके नीचे वॉच ऑनलाइन और डाउनलोड का वहाँ पे बटन रहता है, जिससे कि आप एक शॉर्टनर बना सकते हो, कोई वीडियो शॉर्ट करो, उसको शेयर करो अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक। तो इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो। अगर शॉर्टनर वेबसाइट बनाना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अपने टेलीग्राम का यूज़र नेम का, वहाँ पर जाओ और मैसेज डाल दो, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा, और वहाँ पे, और वो पेड होगा, फ्री नहीं है, क्योंकि वो जो शॉर्टनर वेबसाइट है वो फ्री नहीं बनती है, उसमें होस्टिंग चार्ज, डोमेन चार्ज, और जो भी मेरे टीम मेंबर वो चार्ज करते हैं, तो उसमें चार्ज लगता है। तो अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करवाना है PDX शॉर्टनर के जैसा, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो, इस वीडियो को जाके अभी के अभी लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करो भाई साहब कि मज़ा आ गया, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कमेंट करो, और सब्सक्राइब तो करके जाना, क्योंकि काफ़ी लोग ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। बाकी हमारी और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, लाइक हम और भी वेबसाइट क्रिएशन करते हैं, ऐप डेवलपमेंट करते हैं, टेलीग्राम पे अपने टेलीग्राम चैनल को इंक्रीज़ करवाना है, मतलब सब्सक्राइबर को बढ़वाना है, तो वो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और अगर आपको अमेजॉन एफिलिएट का अप्रूवल करवाना है तो वो भी हम आपको करके देते हैं, तो वो भी आपको कॉन्टैक्ट करना है मुझे और बात करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब तो करके जाना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने वाले का भी ख्याल रखिए, और ये दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। लव यू ऑल।